जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। जकरियाह अध्याय 12। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला और पृथ्वी की नेव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा रचाने वाला है, उसकी यह वाणी है कि देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा ऐसी होगी, और उस समय पृथ्वी की जाति जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएगा वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं हरे घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, और मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि करूंगा, परंतु अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगेठी व पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है वही यरूशलेम बसी रहेगी, और यहोवा पहले यहूदा के तंबू को उद्धार करेगा। कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उसके आगे आगे चलता था। और उस समय मैं उन सब जातियों को जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे नाश करने का यत्न करूंगा, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे, अर्थात जिसे उन्होंने वेधा है, ताकेंगे और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हददरीमोन में हुआ था, वरन सारे देश में विलाप, एक एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। निदान जितने परिवार रह गए हो, एक एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग।